श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है। मैं विजेंदर आज आपके लिए एक और नई एकादशी व्रत की कथा लेके आया हूँ। आज की एकादशी व्रत की कथा है, वो है कामदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, चैत मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आप कृपा करके उसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वो बड़ा ही पुण्य देने वाली है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वो दावानल है। दावानल माने जंगल की आग के समान है। पहले की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वह सोने के महल बने थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोट को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तुम मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से डर लगे, ऐसा उसका रूप बन गया। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बड़ी चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से मुक्त हो पाए। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई वैर नहीं था। जो संत होते हैं उनका कभी कोई वैरी नहीं होता। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दिखनी को दुखिनी को देखकर बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या बात है, मेरे सामने सच सच बताओ, तुम्हें क्या दुख है? ललिता ने कहा, माँ मुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, मेरा इस समय जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी है, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में वो साप से मुक्त हो जाएगा। राजन, मुनि की यह बात सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा।
मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललिता का पाप दूर हो गया, उसने दिव्य देह धारण कर ली, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नरपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी सुंदर होकर विमान पर आरूढ़ हो गए और शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी कामदा एकादशी के व्रत की कथा जो मैं आप तक लाया। आगे भी एकादशी व्रत की कथा कहानियाँ आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। जय जय श्री राधे।